शुक्रवार को गौतम अडानी को लेकर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के ताजपुर में गौतम अडानी एक पोर्ट बनाने वाले थे। इस परियोजना के लिए अक्टूबर 2022 में ही करार हो गया था, लेकिन अब गौतम अडानी की स्थिति काफी नाजुक हो चली है। ऐसे में ताजपुर परियोजना पर भी संकट मंडरा रहा है। हालांकि इसे लेकर पश्चिम बंगाल में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इसके पूरा होने की एक समय सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए चिंता करने की कोई वजह नहीं है, परियोजना किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। हालांकि विपक्षियों को इसे लेकर शंका है और वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ताजपुर परियोजना को लेकर गौतम अडानी और ममता बनर्जी की साठगांठ जग जाहिर है। मैं उनके संबंधों पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या सच में ताजपुर परियोजना बनेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जितने घाटे में अभी अडानी चल रहे हैं उन्हें देखकर तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में ताजपुर बंदरगाह बनने वाला है। ताजपुर बंदरगाह को तैयार होने में 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये देश के एक बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्टूबर में इस परियोजना के लिए अडानी ग्रुप से समझौता किया था। इससे बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश होने की संभावना है। इस परियोजना को 3-4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसका काम शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। वहीं अडानी ग्रुप ने 2 दशक से कम वक्त में अधिग्रहण, निर्माण और विकास के जरिए कई सारे बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लिया है। देश के करीब 24% बंदरगाह अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप ने इस बंदरगाह के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन अडानी के घाटे में आने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या ताजपुर पोर्ट परियोजना समय पर पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।